आज के इस वीडियो में हम डेली रूटीन सीखेंगे। देखिए, हम सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो डेली रूटीन बतानी पड़ती है, कभी अपनी यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन के दौरान, या कभी अपनी जॉब पर, या कभी वैसे ही जब हम किसी नए शख्स से मिलते हैं उसको अपनी रूटीन बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डेली रूटीन सीखेंगे। डेली रूटीन जो है ना, वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनती है और ये बहुत आसान टेंस है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब चूंकि आप अपनी डेली रूटीन बताएंगे तो सब्जेक्ट सिर्फ आई होगा, बस आई के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट। और ऑलमोस्ट सबकी ये डेली रूटीन सेम होती है, बस थोड़ी जगह चेंजेस आती हैं। अगर स्टूडेंट है तो उनका थोड़ा सा वर्क चेंज होगा, हाउस वाइफ है तो वो थोड़ा सा चेंज होगा, जॉबफुल कोई पर्सन है तो उसका चेंज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोस्टली हम ऐसे बताते हैं कि आई वेक अप एट डैश ओ क्लॉक। अब इस डैश में आप अपना टाइम फिल कर लें। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 7 o'clock। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आई गेट अप आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, यानी मैं सुबह जब जागता हूँ ना उसके थोड़ी देर बाद उठता हूँ, थोड़ी देर में बिस्तर में ही रहता हूँ। वेक अप जागना, गेट अप बिस्तर से बाहर निकलना। आई गेट अप आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, जागने के थोड़ी देर बाद मैं अपने बिस्तर से निकलता हूँ या निकलती हूँ। आई फ्रेशन अप माई सेल्फ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ या होती हूँ। आई फ्रेशन अप माई सेल्फ। आई मेक अ कप ऑफ टी, फिर मैं चाय बनाता हूँ या बनाती हूँ। अब यहाँ आप अपने रूटीन लगा सकते हैं कि आई मेक ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, एंड आयरन माई क्लोथ्स फॉर वर्क, और मैं अपने कपड़े आयरन करता हूँ करती हूँ काम पर जाने के लिए। या अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, स्टूडेंट हो, तो आप वो लगा सकते हो वर्क को हटा के। आई आयरन माई क्लोथ्स फॉर वर्क। आई हैव अ शावर एंड गेट ड्रेस, मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, फिर नहाता हूँ और उसके बाद जो हूँ कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ। आई हैव अ शावर या आई टेक शावर एंड गेट ड्रेस्ड, कपड़े तब्दील करता हूँ। आई ब्रश माई हेयर और कॉम माई हेयर, मैं बाल ब्रश करता हूँ या कॉम करता हूँ। कंघा करते हैं तो कॉम यूज़ कीजिए, ब्रश करते हैं तो ब्रश। आई ब्रश माई हेयर और कॉम माई हेयर एंड पुट ऑन माई मेकअप, अगर आप मेकअप करती हो, लेडी हो, फीमेल हो, तो पुट ऑन माई मेकअप, और अगर मेल हो तो ये स्किप कर दें। आई पुट ऑन माई मेकअप, मैं मेकअप करती हूँ। आई पैक माई बैग विद माई फाइल्स एंड थैंक्स, फिर मैं अपना बैग रेडी करती हूँ, उसमें फाइल्स रखती हूँ। अब अगर आप जो भी रेडी करते हो, जो भी चीज़ सामान, वो आप यहाँ यूज़ कर लो। आई पैक माई बैग विद ऑल माई फाइल्स एंड थिंग्स, देन आई पुट ऑन माई कोट एंड लीव द हाउस, फिर मैं कोट पहनती हूँ और घर से निकल जाती हूँ। आई वॉक टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप तक जाती हूँ, पैदल जाती हूँ। आई कैच द बस एट डैश टाइम, यानी आई कैच द बस, मैं बस लेती हूँ एट 8 o'clock, 9 o'clock, जो भी टाइम आपने यहाँ यूज़ करना वो बताएं। एंड देन आई पे माई फेयर एंड सिट डाउन, फिर मैं अपना जो हूँ किराया अदा करती हूँ और बैठ जाती हूँ। ठीक है, अगर आप बस से नहीं जाते, आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो आप कहेंगे और आई ड्राइव टू वर्क, मैं अपने काम पर गाड़ी चला कर जाता हूँ, या अपने काम पर मैं खुद जाता हूँ अपनी कार से, और आई ड्राइव टू वर्क। या तो ऊपर वाला यूज़ करेंगे अगर बस से जाते हैं, नहीं तो फिर आई ड्राइव टू वर्क। इट टेक्स अबाउट डैश मिनट टू रीच माई ऑफिस, या माई वर्क प्लेस, या माई कॉलेज, या माई यूनिवर्सिटी। इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स ले लें, या जितने भी मिनट्स ले लें। इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स टू रीच माई कॉलेज, ऑफिस और वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी। आई गेट ऑफ द बस एंड वॉक टू द ऑफिस, मैं बस से उतरता हूँ या उतरती हूँ और ऑफिस जाता हूँ। वेयर आई स्टार्ट माई वर्क अराउंड डैश AM, अब जितने बजे आप काम शुरू करते हो आप यहाँ वो टाइम मेंशन कर दो। अगर आप स्टूडेंट तो आप कहोगे वेयर आई स्टार्ट स्टडी अराउंड डैश AM। आई रिपोर्ट टू माई बॉस, मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। और चेक माई ई मेल्स, अपनी ई मेल्स चेक करता हूँ करती हूँ। और मीट माई कोलीग्स और सेट माई फाइल्स, अपनी कोलीग से मिलता हूँ मिलती हूँ, या अपनी फाइल सेट करती हूँ करता हूँ। जो भी काम आप ऑफिस में करते हो वो कर दो। नेक्स्ट आप कहोगे देन आई कीप वर्किंग टिल लंच ब्रेक, मैं लंच ब्रेक तक काम करता हूँ या करती हूँ। आई हैव लंच एट डैश PM, अब जितने बजे आप लंच करते हो वो मैंशन कर देना। यूजअली आई ईट सैंडविच विथ टी, अमूमन तो मैं चाय के साथ सैंडविच लेता हूँ या लेती हूँ। समटाइम्स आई ब्रिंक माई लंच फ्रॉम माई होम, कभी कभार मैं अपने घर से भी लंच साथ लाता हूँ या लाती हूँ। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान आई टॉक टू माई कोलीग्स एंड देन स्टार्ट वर्क अगेन, लंच के दौरान मैं अपने कोलीग से बातचीत करता हूँ या करती हूँ और काम फिर शुरू कर देती हूँ लंच के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये यूजुअली, देन, सम टाइम, ये हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं हम और अपनी डेली रूटीन बताते हुए। ठीक है, एट 5 आई पैक माई बैग, ठीक है, 5 बजे मैं वापस चीज़ें समेटना शुरू करता हूँ, अपना बैग रेडी करता हूँ, चीज़ उसमें रखता हूँ। एंड कैच द बस बैक होम,
और वापस से अपनी बस पकड़ता हूँ एंड स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स रिलैक्सिंग बिफोर आई कुक डिनर। और मैं वापस घर आकर मैं 1-2 घंटे रेस्ट करती हूँ ताकि मैं खाना वगैरह बना सकूँ खाना बनाने से पहले। अब यहाँ आप अपना रूटीन लगा सकते हो कि ठीक है जो भी आप काम करते हो कि आफ्टर कमिंग बैक आई मेक डिनर, आफ्टर कमिंग बैक होम आई रेस्ट, या आफ्टर कमिंग बैक होम आई जस्ट यूज़ माई मोबाइल। जो काम आप करते हो घर आने के बाद आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे। एंड आई टॉक टू माई फैमिली, फिर मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ करती हूँ, हैव डिनर विद देम, उनके साथ रात का खाना खाता हूँ या खाती हूँ, एंड डिस्कस द होल डेज रूटीन, और पूरे दिन की रूटीन उनके साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ। वाइल डिनर, खाने के दौरान वी वॉच द न्यूज़। अक्सर क्या होता है कि खाने के दौरान हम खबरें वगैरह देखते हैं। देन आई डू द डिशेज, डू द डिशेज मीन बर्तन धोती हूँ। देन आई डू द डिशेज या वॉच द डिशेज एंड कम बैक टू माई रूम, और फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। अभी सारे काम फिनिश हो गए आज दिन के। देन आई मेक फ़ोन कॉल्स, फिर मैं फ़ोन कॉल्स करता हूँ या करती हूँ जिसको भी करना हो। चेक मैसेजेस, अपने मैसेजेस वगैरह चेक करती हूँ, रिप्लाई दैम, उनको आंसर करती हूँ। देन आई गो ऑन फेसबुक और वॉच टीवी अनटिल अबाउट 10:30। अब यहाँ टाइम आप अपना लगा लें, ठीक है। देन आई गो ऑन फेसबुक, फेसबुक यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ और वॉच टीवी या कभी कभार टीवी देख लेती हूँ अनटिल अबाउट 10:30 या 11:30 या 11 o'clock, जब तक आप फ्री हैं वहाँ टाइम मेंशन कर लें। एंड एट 11 o'clock आई गो टू बैड, 11 बजे के करीब करीब मैं बिस्तर में चले जाता हूँ या चली जाती हूँ। बिफोर स्लीप, सोने से पहले आई सेट एन अलार्म फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए मैं अलार्म सेट करती हूँ। स्विच ऑफ द ऑल लाइट्स, तमाम घर की लाइट्स बंद करती हूँ। लॉक द डोर्स, घर के दरवाजे लॉक करती हूँ। पुट द रबिश आउट, घर का कचरा जो होता है सब बाहर रखती हूँ। एंड चेंज माई ड्रेस, और अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, जो भी मेरा नाइट ड्रेस है वो पहनती हूँ। देन आई फॉल अस्लीप एज आई गो टू बैड, और जैसे ही मैं बिस्तर में जाती हूँ फ़ौरन सो जाती हूँ। देन आई फॉल अस्लीप एज आई गो टू बैड, जैसे ही मैं बिस्तर में जाती हूँ फ़ौरन से सो जाती हूँ। अब ये एक नॉर्मल रूटीन है, ऑलमोस्ट हम सबकी रूटीन ऐसे ही होती है। अब जहाँ जहाँ चेंजेस आनी है टाइम की, वो टाइम की चेंजेस कर लीजिए। आपने ये फ्रेजेस भी यूज़ करने हैं साथ साथ, यूजुअली, देन, आफ्टर दैट, और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आपने अपनी रूटीन बतानी है। सुबह उठने से लेकर रात तक ऑलमोस्ट सबकी रूटीन एक सी ही होती है, बस 2-4 काम की चेंजेस होती हैं, तो वो मेंशन कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसको प्रैक्टिस कर कर आप अपनी डेली रूटीन ईजिली बता सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, इसके अंदर चेंजेस कर लीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डेली रूटीन ज़रूर मेंशन कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और इसे अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।